अगर आपने 5paisa में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है और आप शेयर खरीदना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि 5paisa में पहली बार शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5paisa ऐप के द्वारा शेयर कैसे खरीदे जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। 5paisa में डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाकर 5paisa ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद ऐप को ओपन करेंगे, यहां रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या फिर क्लाइंट आईडी एंटर करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहां पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपको ईमेल के द्वारा मिला है और यहां डेट ऑफ बर्थ एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अकाउंट में लॉगिन करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलता है। शेयर खरीदने से पहले आपको इसमें फंड ऐड करना होगा। फंड ऐड करने के लिए आपको नीचे यूजर ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप इसमें जितना भी फंड ऐड करेंगे वो यहाँ फंड्स में शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फंड बैलेंस 14,764.47 है। हम अभी इतने रुपए के शेयर खरीद सकते हैं। फंड ऐड करने के लिए आपको ऐड फंड्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, आप इसमें जितने रुपए ऐड करना चाहते हैं यहाँ उतने रुपए डाल देंगे। जैसे कि हमने यहाँ 1,000 रुपए डाल दिए हैं। यहाँ से आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। जो बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे इसी बैंक अकाउंट से आपको फंड ऐड करना होगा। इसके बाद आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, आप किस प्रकार फंड ऐड करना चाहते हैं। आप इसमें UPI एप्स के द्वारा या UPI आईडी या नेट बैंकिंग या फिर IMPS, NEFT या RTGS के द्वारा फंड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप गूगल पे के द्वारा फंड ऐड करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप गूगल पे ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां से आपको वही बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जो आपने 5paisa में किया है। इसके बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे, यहां UPI पिन एंटर करके ओके कर देंगे। ओके करते ही पेमेंट हो जाएगा और आप फिर से 5paisa ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। आप फंड बैलेंस में जाकर देखेंगे तो ये देखिए अब यहाँ 15,764.47 हो गए हैं। अब हम 15,764.47 तक का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको शेयर बाय करना बता देता हूँ। आपको लाइव ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको इक्विटी और कैश ही सिलेक्ट करके रखना है। आप जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ उस कंपनी का नाम डालकर सर्च करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ टाटा पावर एंटर किया है तो इसके नीचे टाटा पावर कंपनी के शेयर सर्च होकर आ गए हैं। टाटा पावर NSE और BSE दोनों एक्सचेंज पर लिस्टेड है। इनके प्राइस में बहुत थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। आप शेयर्स को किसी भी एक्सचेंज पर खरीद और बेच सकते हैं। आप जिस भी एक्सचेंज पर इसे खरीदना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने NSE के ऊपर क्लिक किया है, इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर कंपनी का नाम दिया रहता है, यहाँ शेयर का करंट प्राइस दिया होता है यानी कि जिस प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा होता है। इसके नीचे सेम डे का प्रॉफिट एंड लॉस शो होता है। जैसे कि आज के दिन ये 1.15 रुपए प्लस में जा चुका है। यहाँ पर आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, इस शेयर ने कब कब कैसे परफॉर्म किया है। आप यहाँ क्लिक करके 1 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, 5 साल और मैक्सिमम टाइम का ग्राफ देख सकते हैं। इसके नीचे मार्केट डेप्थ दे रखी है। इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कितने लोग बाय ऑर्डर और कितने लोग सेल ऑर्डर लगा रहे हैं। ग्रीन कलर में खरीदने वाले लोगों ने बिड लगा रखी है और रेड कलर में बेचने वाले लोग हैं। इसके बाद डिटेल्स दी होती है। इसमें आप देख सकते हैं ये शेयर कितने पर ओपन हुआ, कितना हाई गया और कितना लो गया और प्रीवियस डे कितने पर बंद हुआ था। यहाँ पर आप पिछले 52 हफ्तों का हाई और लो देख सकते हैं। यहाँ इसका मार्केट कैप दिया है। इसके बाद आपको इस मैक्सिमाइज के आइकन पर क्लिक करना है। आप यहां से भी एक्सचेंज को चेंज कर सकते हैं। यहां आपको रेगुलर ही रखना है। यहां 2 ऑप्शन दिए हैं, इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब होता है आज ही स्टॉक को खरीदकर आज ही उसे सेल करना। इसमें रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि एक ही दिन में आपको स्टॉक सेल करना होता है, आप होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। और अगर आप डिलीवरी ऑप्शन को चूज करते हैं तो आप स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं और जब चाहें उसे सेल कर सकते हैं। इसमें रिस्क बहुत कम होता है यानी कि जिस प्राइस में आपने स्टॉक बाय किया है और वो उससे नीचे जाता है तो आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं। जब भी स्टॉक आपके खरीदे हुए प्राइस से ऊपर जाएगा तो उसे सेल कर सकते हैं। तो हम डिलीवरी ही चूज करेंगे क्योंकि हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं। इसके बाद यहाँ क्वांटिटी एंटर करेंगे, आप कितने शेयर खरीदना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ 15 डाल दिया है।
अगर आप अपने प्राइस पर इसे बाय करना चाहते हैं तो आप यहां अपनी प्राइस लिमिट डालेंगे। जैसे कि अभी इस स्टॉक का मार्केट प्राइस 233.55 रुपए चल रहा है और आपको लगता है कि ये 225 रुपए तक नीचे आएगा, तो आप यहां 225 रुपए डालकर बाय ऑर्डर को कन्फर्म कर देंगे। आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी, सब कुछ सही है तो प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको वापस होम पेज पर जाना है और बुक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जितने भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो सभी यहाँ ऑल ऑर्डर्स में दिखाएगा। जैसे कि हमने ये ऑर्डर अभी प्लेस किया है, जब तक इस शेयर का प्राइस 225 रुपए को हिट नहीं करेगा तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो पेंडिंग ऑर्डर में शो होता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये ऑर्डर पेंडिंग में है और जब ये 225 रुपए को हिट करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ एग्जीक्यूटेड शो होने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपने ऑर्डर करते समय कुछ गलती कर दी है तो आप यहाँ क्लिक करके ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑर्डर फिर से ओपन हो जाएगा। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटी हम कर देते हैं 25। और अगर आप मार्केट प्राइस पर ही शेयर बाय करना चाहते हैं, यानी कि जिस प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसी प्राइस पर आप इसे खरीदना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये 233.55 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, आप इसी प्राइस पर इसे खरीदना चाहते हैं, तो मार्केट प्राइस के सामने दिए इस चेक बॉक्स में टिक लगाकर मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ऑर्डर को कन्फर्म करेंगे। ऑर्डर कन्फर्म होते ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद पोजीशन में शो होने लगता है। अगर आप ऑर्डर को सेम डे सेल नहीं करते हैं यानी कि होल्ड कर लेते हैं तो अगले दिन से आपका ऑर्डर पोर्टफोलियो में शो होने लगता है। इसके बाद आपको पोर्टफोलियो में जाकर ऑर्डर सेल करना होता है। पोर्टफोलियो में जाने के लिए आपको यूजर ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर माई रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे ऊपर आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है। आपके सभी शेयर यहाँ पर शो होंगे, क्योंकि हमने आज ही शेयर बाय किए हैं इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, कल से यहाँ पर शो होने लगेंगे। आपके द्वारा बाय किए गए सभी शेयर माई स्टॉक्स में भी शो होते हैं, आप यहाँ से भी शेयर्स को सेल कर सकते हैं। दोस्तों अब आप 5paisa ऐप के द्वारा स्टॉक बाय करना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।